अच्छा ठीक है, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। अरे भैया बस बस यहीं रोक दो। ठीक है मैडम। चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। हो गए पेमेंट भैया? हाँ मैडम पेमेंट आ गई। ठीक है। ये तो लगता है उन मैडम का छूट गया। यहाँ पे देखो इसमें है क्या। सोने की चैन। अरे यार वो मैडम तो बहुत परेशान हो रही होंगी। एक काम करता हूँ, अभी मैडम मंदिर में ही होगी, ये दे आता हूँ। अबे मुकुल तू पागल है क्या? एक बार इस चैन को देख, कम से कम 1-1.5 लाख की होगी। तू एक साल में भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगा जितना इस चैन को बेचने के बाद पैसा आएगा। लक्ष्मी तेरे पास खुद आगे से आई है पर तू उसे भगा रहा है। इस चैन को तू रख ले और इसे बेच दे, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। बढ़िया प्रभु, मजा आ गया आज तो। हाँ दीपक, हाँ मैंने चैन ले ली है, बस मैं मंदिर से घर आ रही हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको भी कॉल करती हूँ। मेरा बैग, शिट, कहीं वो कैब में तो नहीं रह गया? मिनट में कॉल करके देखती हूँ। का तो नंबर भी नहीं मिल रहा, अब क्या करूं? अबे तुम मेरे चैन तो लेकर आई होगी ना, फिर मैं भी तो देखूं कैसा डिजाइन है। दीपक वो चैन गुम गई मुझसे, पता नहीं कहां पर, शायद कैब में छूट गई है। और मैंने कैब वाले को नंबर ट्राई भी किया था, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ? मैंने वो बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए चैन बनवाई थी, मैंने उसमें सारी सेविंग्स लगा दी थी। अरे ऐसे कैसे गुम हो गई? तुम ना अपनी चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है, एक चैन तो थी तो चली गई, हमारे नसीब में नहीं थी, हमें इसलिए नहीं मिली वो। और वैसे भी
तुमने मेरे लिए इतना सोचा वही बहुत बड़ी बात है। ये देखो है तो सही मेरी चैन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? दीपक वो मैं आपके लिए बहुत प्यार से लाई थी। अरे कोई बात नहीं करिश्मा, तुम परेशान मत हो, दोबारा बन जाएगी चैन। मैडम एक्सक्यूज मी मैडम, अरे भैया आप यहाँ पर? हाँ मैडम, वो ये आपका सामान गाड़ी में रह गया था तो सोचा आपको दे दूँ। थैंक यू सो मच भैया, आपको नहीं पता था कि मैं कितनी परेशान थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, ये आपकी अमानत है, आपको मिल गई, इससे अच्छी बात क्या होगी। मैडम इस चैन को देख के लालच तो मेरे मन में भी आया था, सोचा मैंने कि इसे बेच देता हूँ और एक अच्छी गाड़ी ले लेता हूँ, लेकिन मैडम मेरा मन नहीं माना। और मैडम शायद इस चैन को बेचने के बाद मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती, लेकिन मेरे दिल को वो तसल्ली नहीं मिलती जो एक मेहनत करने के बाद मिलती है, इसलिए मैंने ये चैन आपको वापस कर दी। लेकिन भैया आपको मेरा एड्रेस मिला कैसे? वो मैडम मैं पहले मंदिर गया था तो मंदिर में आप नहीं थी, तो मैंने सोचा जहाँ से आपको पिक किया है एक बार वहाँ जाता हूँ। मैं मैम सोसाइटी के बाहर आके गार्ड से आपका नाम पूछा तो उसने आपका एड्रेस बता दिया, तो मैम मैं यहाँ आ गया। सच में भैया आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक मिनट आप यहीं रुकिए, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके पैसे कमा लेता हूँ, इसी में खुश हूँ। बस आपका सामान आपको मिल गया यही अच्छी बात है। अब मैं चलता हूँ मैडम।